ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना यानी कि, कि किस तरीके से डिफरेंट पार्ट जो है किसी भी चीज़ के उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है आप देखते होंगे कि बिल्डिंग्स या फिर घर देखते होंगे तो अलग अलग घर अलग अलग डिजाइन के देखते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के देखते हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर जो उनका कंस्ट्रक्शन है यानी कि उनके जो पार्ट्स हैं ईट है, है पत्थर हैं डिज़ाइन है वो अलग अलग तरीके से अरेंज की गई है इसलिए अलग अलग घर के अलग अलग जो है लुक आता है अलग अलग स्ट्रक्चर होता है तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको अरेंज करते हैं सिस्टमैटिक से तो उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है ना कि कौन किसका सुपीरियर है कौन किसका सबॉर्डनेट है किसकी क्या रोल्स है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किसकी क्या अथॉरिटीज़ है किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है ये सारी चीजें जो है वहाँ पर एक जो है अरेंजमेंट करने पर एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो उसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो गया इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अचीव कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव तो जो कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करने के लिए जो डिफरेंट फंक्शंस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होते हैं उनको अरेंज करना सही तरीके से सुपीरियर और जो है सबॉर्डिनेट के रूप में जो है अरेंज करना उनकी अकाउंटेबिलिटी उनके रोल रिस्पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना ही क्या कहलाता है, कहलाता है। कि जब अब ट्रेवल एजेंसी ओपन की है तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं जैसे ऑपरेशन रिलेटेड हो गया सेल्स रिलेटेड हो गया एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गया ट्रेवल काउंसलिंग हो गया रिजर्वेशन और टिकटिंग रिलेटेड हो गया कस्टमर केयर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के एक्टिविटीज़ हैं बुक कीपिंग कैशियर तो ये सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं फंक्शंस होते हैं जो कि ट्रैवल एजेंसी में परफॉर्म करने पड़ते हैं तो अब जो मिस्टर ओम है वो क्या करते हैं कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज़ को डिफाइन करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो एजेंसी है उसके डिफरेंट वर्क को डिवाइड कर देते हैं इन थ्री सब हेड ऑपरेशन सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्होंने क्या किया टू डिफाइन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज एसेट्रा हीज डिवाइड द इंटायर वर्क ऑफ द एजेंसी इंटू थ्री सब हेड बेस्ड ऑन द फंक्शंस नेमली ऑपरेशन सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर अब उसके बाद ऑपरेशन में अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है सेल्स में अलग एक्टिविटीज एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है और उसके लिए अलग अलग आपको जो है ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन इंक्लूड ट्रेवल काउंसिलिंग रिजर्वेशन टिकटिंग कस्टमर केयर तो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी जो कि ऑपरेशन के अंदर आती हैं इसी तरीके से सेल्स में अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो गए जो कि सेल्स लीड लेकर आता है वो जो है अलग अलग टारगेट्स को अचीव करता है इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में बुक कीपिंग हो गया कैशियर हो गया यूटिलिटी पर्सनल हो गया जो कि अलग अलग सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं तो अलग अलग एक्टिविटीज़ है और इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उसके लिए आपको जो है सभी ह्यूमन रिसोर्स की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बतानी पड़ेगी कि मिस्टर ए हैं वो ऑपरेशन का काम देखें

उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी खोली उन्होंने क्या किया कि तीन सब हेड में अपने जो एजेंसी के फंक्शन होते हैं उसको डिवाइड कर दिया ऑपरेशन सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन अब जो है ऑपरेशन में ट्रेवल काउंसलर रिजर्वेशन टिकनिंग कस्टमर केयर इसके फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं सेल्स में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन में बुक कीपिंग कैशियर यूटिलिटी पर्सनल इनसे रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं तो अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या है एक अरेंजमेंट कर दिया गया सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दिया गया अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी का रिलेशनशिप यहां पे डेवलप कर दिया गया सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप यहां पर डेवलप कर दिया गया तो आपके सामने क्या गया एक स्ट्रक्चर यहां पर आपके सामने दिखने लगा तो इसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं और जो ये चार्ट के रूप में हमने यहाँ पे को दिखाया है इसी को ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या हो गया एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शोइंग द रिलेशनशिप ऑफ द पोजीशन और जॉब विद इन इट तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोजीशंस होते हैं जो भी जॉब होते हैं जब आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं चार्ट में तो उसी को क्या कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहा जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है क्लियर तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या हो गया इज दिस दिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अचीव कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्टिव तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी अथॉरिटी और रिस्पॉसिबिलिटी के रिलेशनशिप सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप को जब आप अरेंज करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है कि, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या जॉब्स हैं हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे आपने चीज़ों को अरेंज किया है इट प्रोवाइड्स द फॉर क्लेरिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग द ऑफ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही जो है आप क्लेरिफाई कर सकते हो और आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो कि किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अब आप जो है ऑपरेशन वाले से अकाउंट का जो है काम पूछ रहे हो या फिर सेल्स वाले से ऑपरेशन का काम पूछ रहे हो तो यहां पे क्या

करता है कंपनी के अंदर यानी कि कौन एमडी है कौन जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन जो है एम्प्लॉय है कौन सबॉर्डनेट है कौन सुपीरियर है ये सारी चीजें कौन ऑपरेशनल हेड है कौन एचआर हेड है तो आप सारी चीजें आसानी से डिपिट कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कहां से कैसे फ्लो कर रही है इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग फॉर्मल रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो गया एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए आप जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं ¿Claro? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस तो आपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डाटिंग कंट्रोलिंग तो वहाँ पे जो सेकंड फंक्शन होता है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग तो ऑर्गेनाइजिंग जब आप मैनेजमेंट करने के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसी का रिजल्ट क्या होता है वो ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है ठीक है तो ऑर्गेनाइजन स्ट्रक्चर कैसे आता है क्योंकि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो तो वहाँ से ऑर्गेनाइशन स्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है इट स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन पीपल वर्क एंड रिसोर्सिप कोसिबिलिटी चीजें जो है वो स्पेसिफाई करता है कौन? जैसा कि, हमने पहले दिखा दिया कि जो ऑर्गेनाइजन स्ट्रक्चर होता है उसको शो करने के लिए ग्राह फिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक चार्ट में शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहते हैं एंड ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इसेंशियल टू इंस्योर ए स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज तो आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजन स्ट्रक्चर है तो फिर आप जो है स्मूथली फ्लो कर सकते हैं कम्युनिकेशन का आप आसानी से अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं लोअर लेवल तक और बेटर कंट्रोल कर सकते हैं आप ऑपरेशन की एक्टिविटी होगी सेल्स की एक्टिविटी होगी या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी होगी उसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं आप सपोज किए कि आपने ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया था आपने चीज़ों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज ही नहीं किया था तो अब आप आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो सेल्स है या फिर जो रिजर्वेशन कम आ रहे हैं फिर कस्टमर क्यों आपसे खुश नहीं है आपको इसका रीज़न ही नहीं पता चलेगा क्लियर आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो सेल्स लीड है वो क्यों नहीं आ रही है या फिर कहाँ पर प्रॉब्लम है टिकट क्यों बुक नहीं हो पा रही है तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे लेकिन जब चीज़ें आपने सही तरीके से अरेंज करके रखी होंगी तो आप आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहां पे किस स्टेप पे प्रॉब्लम है और उसको आप जो है रिजॉल्व कर सकते हो तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग